हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है, DSSSB में जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, तो उसी के हम जो सिलेबस है, जो ड्राइंग टीचर का जो सिलेबस है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग टीचर के लिए जो या फाइन आर्ट की जो वैकेंसी होती है DSSSB में, उसके लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हमारी एज होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। क्योंकि देखिए, PGT, PGT, TGT तो सभी का जो क्राइटेरिया रहता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइन आर्ट या फिर ड्राइंग टीचर की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं TGT की। जो हमारा जो ड्राइंग टीचर होता है, ठीक है, या फाइन आर्ट, तो उसमें हमें दो पोस्ट में एग्ज़ाम होते हैं। एक तो होता है TGT, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और एक होता है PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जो TGT की पोस्ट है, उसकी जो टाइम की अगर हम बात करें, तो हमें 2 घंटे का वहाँ पर टाइम दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है, ठीक है, और टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारा 200 का टोटल पेपर होता है, जिसमें कि हमारे 200 ही क्वेश्चन हमें मिलते हैं। ईच क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है, ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होता है वहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है, जनरल पेपर, जो कि हमारा 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगी, ठीक है, कि फर्स्ट पेपर के लिए हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, और हमें सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर है उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सिलेबस जो हमारा सब्जेक्ट का है, ठीक है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट पेपर हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो सब्जेक्ट में चाहे आप कितने भी नंबर लेके आओ, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी तैयारी उतनी ही करनी है। तो देखिए, जो जनरल पेपर होता है हमारा, उसमें हमारे 5 पार्ट आते हैं, ठीक है, 5 पोर्शन होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला इंग्लिश का आ जाएगा, 20 मार्क्स का होता है, 20 ही उसमें क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK, तो ये हमारे 5 पोर्शन होते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो सब्जेक्ट पेपर होता है, वो भी हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और उसके बाद जो लास्ट में है, हमें 10 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मेथोलॉजी के हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, DSSSB की एक सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि DSSSB का कोई भी सिलेबस नहीं है, ठीक है। आप RPSC दीजिए, आप KVS दीजिए, या आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, सभी का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक दिए हुए होते हैं कि हमें ये जो टॉपिक है वो हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन DSSB का सबसे माइनस पॉइंट यही है कि इसमें कोई भी सिलेबस नहीं है। इसमें ना तो फर्स्ट पेपर का आपका सिलेबस दिया गया है, और ना ही सेकेंड पेपर का सिलेबस दिया गया है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, या किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, या चाहे आप PRT की, PGT, TGT की, किसी की भी बात करेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं, वो आपके सेम ही मिलेंगे सभी में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये आप चीज़ें छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान देंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम PGT की। PGT में हमें टाइम एक्स्ट्रा मिलता है 1 आवर का, तो यहाँ पर टोटल जो टाइमिंग वो हमें मिलती है 3 आवर। इसमें भी हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 रहती है, और टोटल मार्क्स भी यहाँ पर 300 हमें मिलते हैं। फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है वो हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं वो होते हैं। उसके बाद और सेम ये भी 20-20 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का, वो हमारा 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे 180 के आसपास, और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन, वो हमें देखने को मिलते हैं टीचिंग मेथोलॉजी से। तो ये तो हो गई हमारे जो क्वेश्चन थे और जो मार्क्स थे उनकी बात। अब बात कर लेते हैं कि हमें जो पासिंग मार्क्स है, ठीक है, कट ऑफ या फिर
पासिंग मार्क्स वो कितने चाहिए। तो जो जनरल होता है, जो जनरल कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको 40 नंबर लाना कंपलसरी है आउट ऑफ 100। जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है 100 का, उसमें से हमें 40% लाना कंपलसरी है। और ये सब ये भी आपको पता होगा, जिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि जो अदर स्टेट वाले जो ओबीसी वाले हैं वो दिल्ली में आके वो उनकी कैटेगरी जो है वो जनरल हो जाती है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले आप ध्यान रखें। उसके बाद जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले जो दिल्ली वाले हैं वही ओबीसी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले जनरल से ही फॉर्म फिल करेंगे तो उनकी जो है 35 जाती है, और जो एससी एसटी और पीएच वाले हैं उनकी 30। ये सभी आउट ऑफ 100 हमें मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी आपको चाहिए होगा। उसके बाद बात करते हैं एज की। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ा इशू है वो है एज का, क्योंकि पहले जो इसकी एज थी वो 36 थी, लेकिन अभी जो इसकी एज वो 30 कर दी गई है। बाकी तो वैकेंसी आने पर ही हमें पता चलेगा कि अब इसकी एज क्या रखी गई है, यही रहती है या चेंज होती है, लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो वह 30 एज है। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, या तो आपके पास 5 ईयर का जो डिग्री है वो होनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग से, स्कल्पचर से, आप चाहे तो फाइन आर्ट से हो, ठीक है, आप स्कल्पचर से हो, ठीक है, आप पेंटिंग से हो, आप इनमें से किसी भी फील्ड से हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आपके पास 5 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने जो है BFA और MFA किया हो, या फिर आपने BA और MA किया हो। ठीक है, और इसके साथ ही आपको जो है एक हिंदी जो है, हिंदी आपको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपके सेकेंडरी एजुकेशन जो सेकेंडरी आपकी जो ट्वेल्थ होते हैं, ट्वेल्थ के में आपका जो हिंदी है वो आपको आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम होता है वो CBT मोड में होता है, यानी कि ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमें ध्यान रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से क्या पढ़ना है। तो ये सब आपको मैं डिटेल्ड जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताऊँगी। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।